नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, मतलब अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग गुण वाले, भिन्न गुण वाले जो है एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका जो है एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो ये दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। यहाँ देखिए, H2+Cl2, इन दोनों का जो मिश्रण है, उन दोनों को जो है कहाँ रखा जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में। इन दोनों के मिश्रण को जो है सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तब जो है क्या बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब 2HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl होता है, लेकिन बैलेंस करके जो है लिखा गया इसको 2HCl। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अलग गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब जो है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका जो है एक और एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो है टूट के जो है क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो है बोलते हैं चूना पत्थर, और जब इसको गर्म किया जाता है, तब जो है ये किसमें टूट जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो ये CaO है, ये जो है चूना है, इसको क्या बोलते हैं, तो चूना बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही जो है क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है।